नमस्कार, ऑटो एक्सपर्ट गुरु चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, अभी आ रही है गर्मियाँ और गर्मियों में जरूरत पड़ती है दोस्तों कार में एसी की। लेकिन दोस्तों जहां तक अब मेरी कार के एसी की बात करें दोस्तों, यहां पे मुझे कूलिंग तो पूरी मिलती है लेकिन एयर यहां पे मुझे ज़्यादा मिल नहीं पाती। इसका रीज़न है दोस्तों, जो हमारे एसी के फिल्टर होता है दोस्तों, वो हो चुका है चौक या ब्लॉक आप कह सकते हो उसको, कि उसमें डस्ट वगैरह इतनी आ जाती है कि उसके बाद एयर हमें मिल नहीं पाती प्रॉपर। तो चलिए दोस्तों मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं अपनी कार का जो एसी का फिल्टर होता है दोस्तों उसको करता हूं क्लीन, और उसको अगर जरूरत पड़ेगी तो मुझे करवाना पड़ेगा उसको चेंज। तो चलिए अभी खोलते हैं इसके एयर फिल्टर को, जो एसी का हमारा फिल्टर होता है उसके लिए पहले खोलना पड़ेगा। इस तरीके से हमें ये बॉक्स और कुछ इस तरीके से खोलेगा, थोड़ा सा इस साइड से इसको प्रेस करना है अंदर की साइड और थोड़ा सा ये राइट साइड से इसको प्रेस करना है, तो इस तरीके से ये खुल जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा जो बचा कुछ है इसके अंदर सामान है इसको कर देते हैं थोड़ा साइड में, और इसको इस तरीके से निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद इसको करते हैं साइड में। अब है अंदर असली। तो ये जो आपको कवर दिख रहा है दोस्तों, ये जो कवर है प्लास्टिक का, इसके अंदर होता है हमारा फ़ैन जिसकी वजह से हमें एयर मिल पाती है, और ये रहा इसके अंदर हमारा फिल्टर, ये है उसका कवर। तो चलिए पहले इसको इस तरीके से इसके लॉक यहाँ से निकाल लेते हैं और कुछ इस तरीके से ये खुलेगा, और ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है ये रहा फिल्टर, जो एयर फिल्टर है जो हमारी एयर को फिल्टर होकर हमारे कूलिंग कॉइल तक पहुँचाता है। तो देखते हैं इसके अंदर डस्ट, अरे बाप डस्ट देखिए आप, जो जो खाया पिया सारा कुछ मूंगफली वगैरह और सारा कूड़ा करकट सारा इसके अंदर है। तो चलिए अभी ये देखिए आप, ये देख पाएंगे आप तो देखिए कितनी धूल वगैरह है इसमें, ओहो। तो चलिए अभी करते हैं इसको क्लीन और फिर उसके बाद करेंगे इसको फिट। चलिए हमारा फिल्टर तो हो गया बिल्कुल क्लीन जैसा कि आप लोग अभी देख पा रहे हैं। अगर ये ज़्यादा चौक होता तो हमें इसको करवाना पड़ता रिप्लेस, लेकिन अभी ये क्लीन किया हमने तो ये बिल्कुल हमारा काम ओके यहाँ पर हो गया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा होता किस लिए, ये होता दोस्तों जो भी डस्ट वगैरह जो भी मिट्टी वगैरह जो आती है इस फैन के थ्रू, तो दोस्तों वो हमारे कूलिंग कॉइल तक ना पहुँचे और कूलिंग कॉइल को ख़राब ना करे और वहाँ पर वो दिक्कत ना करे, वहाँ पे चौक ना हो। अगर ये ना हो तो ये सारी धूल मिट्टी जो भी है वो जाके हमारे कूलिंग कॉइल पे जाके लगेगी, फिर हमें पूरी एसी को हमें पूरा सर्विस करवाना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए ये सब चीज़ें यहाँ पे लगाई जाती है। तो अगर आपके कार में भी है, वैसे ज़्यादातर मोस्टली सभी कारों में भी ये सब आते हैं, पुरानी कारों में नहीं आते थे, तो सभी कारों में आते हैं और इसी जगह पर यहाँ पर लगाया जाता है ये फ़िल्टर फ़ैन के बगल में, तो आप भी इसको क्लीन कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं होता तो आप किसी मैकेनिक पर जाके इसको क्लीन करवा सकते हैं। तो चलिए अभी लगाते हैं कुछ इस तरीके से, नहीं कुछ इस तरीके से इसको। तो चलिए ये हो चुका हमारा फिट। तो चलिए अब लगाते हैं इस डैशबोर्ड को और कुछ इस तरीके से ये लगेगा। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ।